सर के बाल मुंडे हुए, हाथों में हथकड़ियां, पुलिस की गिरफ्त में चल रहे ये छह लोग कभी पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ इलाके में दहशत फैलाते थे, मगर आज सरेआम इनका जुलूस निकल रहा है। जिन गलियों में कभी अपना रौब झाड़ते थे, आज वहां इनकी फजीहत हो रही है। असल में महाराष्ट्र के पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ इलाके में पुलिस अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों के बीच दहशत फैलाने वाले ये अपराधी थे, जिन पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इसी इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति से इनकी अनबन हुई थी, जिसके बाद ये अपने हाथों में धारदार हथियार लेकर इलाके में दाखिल हो गए थे और स्थानीय लोगों को पीटने लगे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अड़ोस पड़ोस में खड़ी हुई गाड़ियों के साथ भी जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद ये सभी अपराधी हथियार लहराते हुए वहां से चले गए। इस वारदात की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, वैसे ही पुलिस ने घटनास्थल पर दाखिल होकर इन सभी अपराधियों के बारे में जानकारी हासिल की और उसी के आधार पर पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार भी कर लिया। मगर जिन गलियों में ये अपना रौब झाड़ते हुए दबंग की तरह घूमते थे, आज उन्हीं गलियों में इनकी बैंड बज गई। स्थानीय लोगों में अपनी दहशत फैलाने वाले ये छह अपराधियों के गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनके सर के बाल मुंडवा कर इलाके की गलियों में इनका जुलूस निकाला, ताकि जहां जहां पर ये अपनी दहशत फैलाते थे वहां ये भूल कर भी मुंह न दिखा पाए। इतना ही नहीं, इन दबंग अपराधियों से पुलिस ने लोगों से माफी भी मंगवाई और ये भी वादा करवाया कि दोबारा वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि इनके इस जुलूस के दौरान पुलिस ने इलाके में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों से छुपते छुपाते इन दबंग अपराधियों की जमकर धुनाई भी की। पुलिस के इस एक्शन से इलाके के बाकी अपराधियों को ये भी मैसेज पहुंचाया गया कि अगर आगे से कोई भी इस तरीके की आपराधिक वारदातों को अंजाम देने का सोचे भी, तो उनके साथ भी यही सलूक किया जाएगा, ये वो ध्यान रखें। गौरतलब है कि हाल के दिनों में पुलिस द्वारा अपराधियों का खौफ जनता के दिलों से खत्म करने के लिए इस तरह की कई परेड के मामले सामने आए हैं, वो चाहे अब जबलपुर का हो या इंदौर का, लेकिन पुलिस का सिंघम स्टाइल वाकई मजेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।